ताइवान ने चीन की घुसपैठ और युद्ध की तैयारियों को भांपते हुए अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए ताइवान महिलाओं को रिजर्व फोर्स में शामिल कर पुरुषों की तरह मिलिट्री ट्रेनिंग देने जा रहा है। जो महिलाएं रिजर्व फोर्स में शामिल होना चाहती है वो स्वेच्छा से ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस साल की दूसरी तिमाही से 220 महिला सैनिकों को ट्रेनिंग देगा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की ऑल आउट डिफेंस मोबिलाइजेशन एजेंसी के मेजर जनरल यू वेन चेंग कह चुके हैं कि इस साल यह योजना परीक्षण के तौर पर होगी। अभी तक हमारे पास सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों को ही मिलिट्री ट्रेनिंग देने की क्षमता है, जबकि महिलाओं के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है।